नमस्कार, जरा हटके खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम आपको बता रहे हैं कि चीन ने बनाया दो सिर वाला चूहा। चीन के वैज्ञानिकों ने दो सिर वाला चूहा बनाने में सफलता पाई है और अब मानव सिर के ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के डॉक्टरों ने चूहे का सिर ट्रांसप्लांट करने का नया कारनामा कर दिया है। इन डॉक्टरों ने एक चूहे के सिर पर दो सिर लगा दिए और यह परीक्षण सफल भी रहा। चिकित्सा पद्धति में हुए बदलाव के चलते अब कोई भी इलाज नामुमकिन नहीं रह गया है। आजकल किडनी से लेकर आंखों तक का ट्रांसप्लांट के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब डॉक्टरों की टीम ने 2017 के आखिरी तक पहले मानव सिर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर ली है। इसी के चलते चीन के हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर चूहे के सिर ट्रांसप्लांट का परीक्षण किया और वह उसमें सफल भी हुए। चीन के विवादित न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनवारो ने हेड ट्रांसप्लांट को लेकर एक रिसर्च की थी। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में ब्रेन टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बस इसी का पता लगाने के लिए एक चूहे पर दो सिर लगाए गए। डॉक्टरों की टीम ने इसके लिए तीन चूहों को चिन्हित किया, जिसमें दो बड़े और एक छोटा चूहा था। छोटे चूहे के सिर को एक बड़े चूहे के सिर पर लगाया गया। जबकि ऑपरेशन के दौरान खून की जरूरत पड़ी तो तीसरे चूहे का इस्तेमाल किया गया। कई घंटों तक चला यह ऑपरेशन अंततः सफल रहा। एक बड़े चूहे के सिर पर एक और सिर जोड़ दिया गया। जिस सिर को जोड़ा गया था वह जिंदा था और उसने आंखें भी झपकाई थी। हालांकि यह चूहा ज्यादा देर तक जिंदा न रह सका। 36 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इस प्रयोग के बाद दुनिया में पहली बार मानव सिर का सफल प्रत्यारोपण करने की तैयारी अंतिम चरण में। अगर कोई तकनीक समस्या नहीं हुई तो साल 2017 के शुरुआती महीनों में चीन में मानव सिर का सफल ट्रांसप्लांट हो सकेगा। अगर विफल हुए तो कई चिकित्सा विशेषज्ञों को और अनुसंधानकर्ताओं को जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए एक रूसी युवक ने सिर को स्वैच्छिक रूप से डोनेट करने का निर्णय लिया है। चीन और इटली के ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ रूस के 31 वर्षीय एक कंप्यूटर वैज्ञानिक वैलरी स्पिरी दोनों पर यह प्रयोग करेंगे।